दोस्तों, अगर आप भी पेट्रोल और डीज़ल के जो बढ़ती हुई कीमतों तो उससे परेशान हो गए हैं और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी सर्च कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी लें या कौन सी गाड़ी नहीं लें, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आप परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल पता लग जाएगी उन गाड़ियों की, कि कौन सा बैटरी पैक आपको उनके हाथ मिलने वाला है, कितनी गाड़ियों की कीमतें हैं और गाड़ी की जो रेंज है वो कितनी है, और कौन सी गाड़ी लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और फिर जानते हैं इन सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में जो कि आप इंडिया में परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आने वाली जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसका नाम है BYD E6। देखने में एक MPV है और MPV बॉडी के साथ आती है। इसमें जो आपको बैटरी ऑप्शन मिलते हैं वो है 71.7 किलोवाट आर की आपके इसमें बैटरी मिल जाती है। सबसे अच्छी बात है इसकी रेंज की, आपकी आपको 520 किलोमीटर की इसकी रेंज मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर आप हाईवेज पे इस गाड़ी को लेके जाएंगे तो आपको 415 किलोमीटर की ही मिलेगी। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको सिटी में ज़्यादा मिल रहा है और हाईवे पे कम, तो उसके रीज़न ये है कि सिटी में आप ब्रेक वगैरह यूज़ करते हैं तो ब्रेक से क्या होता है कि रीजनरेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे बैटरी अपने आप को खुद ही चार्ज करती है। तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं सिटी में ज़्यादा माइलेज देती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इस गाड़ी की पावर की। तो पावर की अगर हम बात करें तो 95 PS की पावर मिल जाती है और 180 Nm का आपको पीक टॉर्क मिल जाता है। फुल चार्ज की अगर हम बात करें ये गाड़ी, अगर आप 60 किलोवाट आर के अगर आप चार्जर यूज़ करते हैं जो कि एक फास्ट चार्जर, तो आपको ये 1.5 घंटा लेने वाली है, और अगर 6.6 AC चार्जर आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको लगभग 12 घंटे इसमें लग जाएंगे। इसके एक्सशोरूम कीमत की अगर हम बात करें लगभग 29 लाख रुपये इस गाड़ी की एक्सशोरूम कीमत है, और गाड़ी काफ़ी लंबी लगती है देखने में। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी, अगर आपको देखनी है तो ऊपर आप आई बटन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो 30 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगा। सबसे बेस्ट थिंग इस गाड़ी में आपको क्या मिलती है, इस गाड़ी का बूट स्पेस। मैंने अभी तक इतना बड़ा बूट स्पेस किसी गाड़ी का नहीं देखा है। अगर आप एक बिजनेस एम्प्लॉय हैं या आप अपना एक बिजनेस खुद करते हैं, या अगर आपका सामान वगैरह ले जाना इधर से उधर काम ज़्यादा रहता है, तो आपको इसमें 580 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है गाइस। वारंटी की अगर हम बात करें तो गाड़ी पे आपको 3 साल और 1.25 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। और बैटरी पैक की ये बात करें दोस्तों, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बैटरी पे वारंटी यही कंपनी दे रही है, जो कि है लगभग 8 साल और 5 लाख किलोमीटर का। तो दोस्तों 8 साल और 5 लाख किलोमीटर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको लगता है आपका रनअप ज़्यादा है, आपको गाड़ी ज़्यादा चलनी है, तो ये गाड़ी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चूज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको 8 साल की और 5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है। उसके बाद अगली इलेक्ट्रिक गाड़ी की हम बात करेंगे, वो है हुंडई कोना इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, हुंडई कोना बहुत ही अच्छी और बहुत ही गुड लुकिंग कार है, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड गाड़ी है और बहुत ही कम लोग इसको लेते हैं। आपको भी सड़कों पे बहुत कम देखने के लिए मिली होगी इस गाड़ी की। अगर हम बात करें टोटल 2 वेरिएंट में आती है, एक तो कोना प्रीमियम और एक कोना प्रीमियम डुअल टोन। डुअल टोन बेसिकली क्या है, आपका जो रूफ का कलर है वो अलग होगा और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट गाड़ी में सेम है। प्राइस की जो बात करें तो इसमें डुअल टोन में और सिंपल वाले में आपको थोड़ा डिफरेंस मिल जाता है, लगभग 20,000 के आसपास। गाड़ी की स्पेक्स की अगर बात करें तो लगभग 39.2 किलोवाट आर की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। फुल चार्ज की अगर हम बात करें तो 2.8 किलोवाट के जो चार्जर है उससे आपको लगभग 19 घंटे लगने वाले हैं। 19 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है चार्जिंग के लिए। इसका डाउनसाइड एक ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा समय लेती है, 2.8 जो किलोवाट वाला चार्जर है उससे लगभग 19 घंटे, लगभग पूरा ही दिन लगा लो ले लेती है। उसके बाद 7.2 किलोवाट का जो वॉल बॉक्स चार्जर है उससे लगभग 6 घंटे लेती है ये, और जो फास्ट चार्जर इसका आता है वो आता है लगभग 50 किलोवाट का। तो जो 50 किलोवाट का जो चार्जर है उससे ये जो समय लगाती है वो लगाती है लगभग 57 मिनट लगाती है 0 to 80% होने में। उसके बाद फुल रेंज की अगर हम बात कर लेगा, इसमें आपको लगभग 450 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज मिल जाएगी। पावर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 134 PS की पावर मिल जाती है, प्लस 395 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही टॉर्की और बहुत ही पावरफुल ये गाड़ी होने वाली है। उसके बाद कीमत की अगर हम बात करें तो एक्सशोरूम लगभग 23,80,000 रुपये की आपको ये गाड़ी मिलती है, और जिसमें लगभग ऑन रोड की अगर हम बात करें तो आपको ऑन रोड 25,03,000 तक की आपको ये पड़ जाएगी, और अगर आप डुअल टोन वाला वेरिएंट लेंगे 20,000 और ऐड कर लीजिएगा, लगभग 25,23,000 की आपको ऑन रोड पड़ेगी जो डुअल टोन वाला है। आपको जिसमें वारंटी मिलती है लगभग 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की मिलती है, प्लस इसकी बैटरी अगर हम बात करें तो 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है। जो तीसरी गाड़ी है वो भी काफ़ी गुड लुकिंग कार है और वो MG की तरफ से आती है, MG ZS EV। इसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसमें पहला रहता है एक्साइट और दूसरा रहता है एक्सक्लूसिव। दोनों के प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो बैटरी की अगर हम बात करें तो 50.3 किलोवाट आर की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है। फुल चार्जिंग का जो टाइम है, DC जो फास्ट चार्जर इनका है, 0 to 80% 60 मिनट में चार्ज होती है। और दूसरा जो चार्जिंग ऑप्शन आपको इसमें मिलता है वो मिलता है जो कि आपके घर पर लगाएंगे, जो कि 15 एम्पीयर या 10 एम्पीयर के सॉकेट में लग जाएगा 2.4 किलोवाट आर का। उससे आपकी गाड़ी फुल चार्ज कर देगा लगभग 9 घंटे 9 साढ़े 9 घंटे में आपकी गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। रेंज की अगर हम बात करें तो 461 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज मिल जाती है। उसके बाद बात करें एक्सशोरूम कीमतों की, तो 22,58,000 रुपये का आपको मिलता है बेस मॉडल जो कि एक्साइट रहने वाला है, और जो एक्सक्लूसिव वेरिएंट है वो वेरिएंट आपको मिलता है लगभग 26,50,000 रुपये का। तो लगभग बेस और टॉप में लगभग 4 लाख रुपये के आसपास का फ़र्क है।
सो अगर आपको ज़्यादा और ज़्यादा फीचर्स चाहिए और ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप टॉप वेरिएंट पे जाएं, अदरवाइज आप एक्साइट भी लेंगे तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिक कार सर्च कर रहे हैं तो आप बेसिकली बजट की वजह से यहाँ पे आए हैं। उसके बाद ऑन रोड अगर हम बात करें इस गाड़ी का, तो बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा 23,75,000 रुपये में, और जो टॉप एंड वेरिएंट है वो आपको मिल जाएगा 27,80,000 रुपये में। वारंटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है गाड़ी के ऊपर। और बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो बैटरी पैक में इसमें आपको 8 साल और 1,50,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। अगली गाड़ी है नेक्सॉन ईवी मैक्स। इसमें आपको दो गाड़ियाँ मिलती हैं बेसिकली, मैं दोनों का कंबाइन बता रहा हूँ, नेक्सॉन ईवी मैक्स और नेक्सॉन ईवी प्राइम। ठीक है, ईवी प्राइम की बाद में बात करेंगे, पहले ईवी मैक्स की बात कर लें। तो टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में। सबसे ज़्यादा वेरिएंट अगर कोई दे रहा है तो वो टाटा दे रहा है, और उसमें अगर बैटरी पैक की अगर हम बात करें तो 40.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। फुल चार्जिंग अगर हम बात करें तो जो डीसी का जो 50 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर है वो आपको 0 to 80 कर देता है 56 मिनट्स में, और 3.3 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो आपको फुल चार्ज करेगा 15 मिनट में, और जो 7.2 किलोवाट आवर का जो चार्जर है वो आपको चार्ज करेगा 6 घंटे में। तो आपको इसमें टोटल 3 ऑप्शन मिल जाते हैं चार्जिंग के हिसाब से, तो आप जो भी लेना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। रेंज की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 437 किलोमीटर की। उसके बाद एक्स शोरूम कीमतों की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी 18,34,000 रुपये से लेकर 20,03,000 रुपये तक आपको ये मिल जाती है एक्स शोरूम। ऑन रोड की अगर हम बात करें, इसका जो बेस वेरिएंट है वो है एक्सजेड प्लस। ठीक है, वो आपको 19,38,000 रुपये का मिलेगा, और जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 27,06,000 रुपये का मिलेगा। सो जो पेट्रोल और डीजल में जो टॉप वेरिएंट है वो एक्सजेड प्लस ही है, लेकिन यहाँ पे इसको बेस वेरिएंट माना गया है एक्सजेड प्लस को। अब सबसे बेस्ट चीज़ क्या है इस गाड़ी में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, 209 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और आपको गाड़ी को चलाने में काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है। और इलेक्ट्रिक कार है तो गाड़ी का पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद पावर की अगर हम बात करें तो 141 PS की आपको पावर मिल जाती है, और 250 Nm का आपको इसमें टॉर्क मिलता है। और वारंटी की अगर हम बात करें 3 साल और 125,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है गाड़ी पे, और 8 ईयर और 160,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है बैटरी पैक पे। ठीक है, उसके बाद नेक्सॉन प्राइम जो इसी का छोटा वाला वेरिएंट है, इसकी रेंज कम है, उसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो मिलती है 30.2 किलोवाट आवर की। उसकी जो कीमतें हैं वो है 15,90,000 रुपये से शुरू होकर 18,50,000 रुपये। पावर उसमें आपको 130 PS की मिलती है, 250 Nm का टॉर्क मिलता है। इसके बाद बैटरी चार्जर की अगर हम बात करें तो इसमें 3.3 किलोवाट आवर का जो बैटरी चार्जर है, जो कि AC चार्जर है, वो 8.5 आवर्स में फुल चार्ज करता है। प्लस जो फास्ट चार्जर है सेम 50 किलोवाट आवर वाला जो आपको ईवी मैक्स में भी मिल रहा था, उसमें आपको ये 56 मिनट्स लेती है 0 to 80% चार्ज करने में। और इसकी जो ऑन रोड कीमतें हैं 15,90,000 रुपये से शुरू होकर 18,50,000 रुपये तक। जो मैंने आपको कीमतें बताई थी वो थी ऑन रोड कीमतें, एक्सोर कीमतें मैं आपको इसमें नहीं बताई। उसके बाद बात कर लेते हैं टिगोर ईवी की। तो टिगोर ईवी आपको टोटल 4 वेरिएंट में मिलती है, जिसकी जो रेंज है लगभग 306 किलोमीटर है, 26 किलोवाट आवर की आपको इसमें बैटरी मिल जाती है, जिसमें भी आपको अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि जो 15 एम्पीयर वाला जो आप घर में यूज़ करेंगे उससे 0 to 80% होती है लगभग 8 घंटे 45 मिनट में। 25 किलोवाट का जो DC चार्जर है जो आप अपने घर पे में इंस्टॉल करा सकते हैं, उससे चार्ज होती है लगभग 80% ये लगभग 65 मिनट्स में। उसके बाद बात करें एक्सशोरूम कीमतों की, तो एक्सशोरूम 12,24,000 रुपये से लेकर 13,39,000 तक आपको मिल जाता है। और ऑन रोड की अगर हम बात करें इन गाड़ियों में, तो ऑन रोड जो आपको टिगोर पड़ेगी वो 12,90,000 रुपये से शुरू होकर 14,10,000 रुपये तक आपको मिल जाएगी ऑन रोड। तो वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ियों में हो जाती है। एक गाड़ी इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल है जो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आपको। तो वीडियो अगर आपने देखी तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिए, ताकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। उसके बाद इस गाड़ी की अगर हम पावर की बात कर लें तो 73.7 BHP की आपको इसमें पावर मिलती है, और 170 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। इसमें भी आपको 3 साल और 125,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। और उसके बाद बैटरी की बात करें तो 8 साल और 160,000 किलोमीटर सेम। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो टाटा की गाड़ियाँ हैं उसमें आपको सेम वारंटी मिलती है अक्रॉस द लाइनअप। जो भी इनकी टाटा की गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपको वारंटी सेम ही मिलती है हर गाड़ी में। ठीक है, तो 8 साल और 160,000 तक की आपको इसमें वारंटी मिल जाती है। अगली गाड़ी जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, टाटा की टियागो ईवी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है इलेक्ट्रिक के मामले में। अगर बात करें इलेक्ट्रिक की, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी होने वाली, इससे छोटी एक आती है महिंद्रा की, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो गाड़ी इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ही कम रेंज के साथ वो गाड़ी आती है। तो अभी बात करते हैं टाटा टियागो ईवी के बारे में। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस ऐसे है, इसमें आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिल रहे हैं, सबसे पहला 19.2 किलोवाट आवर और दूसरा 24 किलोवाट आवर। अगर आपका रेंज ज़्यादा है, अगर आपका रनअप ज़्यादा है तो आप 24 किलोवाट आवर वाला लीजिए। अगर आपका जो है रेंज थोड़ा कम है, अगर आपको डेली कम्यूटिंग लीजिए फॉर एग्जांपल घर से ऑफिस से घर, तो आप 19 वाला भी ले सकते। अब इसमें जो 19 किलोवाट आवर है उसमें आपको जो 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है, और जो 24 किलोवाट आवर वाला है उसमें आपको 315 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम की गई है। फुल चार्ज की अगर हम बात करें 2 घंटे 25 मिनट आपको लेगी। 7.2 किलोवाट का जो AC चार्जर अगर आप उसको लगाएंगे, रेंज लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी है, वो लेगी 3 घंटे 36 मिनट सेम चार्जर के साथ।
उसके बाद बात करते हैं 15 एम्पीयर वाला सॉकेट जो आपके घर पे इंस्टॉल होगा, उससे 19 किलोवाट आवर वाली गाड़ी लेगी वो लेगी 6.9 आवर्स, और जो 24 किलोवाट वाली गाड़ी लेगी वो लेगी 8.7 आवर्स। उसके बाद 19.2 किलोवाट आवर वाली 3.3 किलोवाट आवर के चार्जर से चार्ज होगी, तो आप उसके लिए समय लेगी ये 5 घंटे और 10 मिनट। उसके बाद जो लॉन्ग रेंज वाली है वो इसी चार्जर से 6 घंटे 4 मिनट लेगी। उसके बाद डीसी फास्ट चार्जर की अगर हम बात करें तो दोनों गाड़ियां 10-80% चार्ज हो जाएंगी सिर्फ 57 मिनट में। एक्सशोरूम कीमतों की अगर हम बात करें, एक्सशोरूम की चलो इसमें बात नहीं करते, सीधा ऑन रोड कीमतें बताता हूँ। ये कीमतें जबकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं भी हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो गया हो। तो जो ऑन रोड इस गाड़ी की जो कीमत है वो है 8,80,000 रुपये से शुरू होकर 12,38,000 रुपये तक गाड़ी आपको मिल जाती है। 61 पीएस की पावर मिलती है, 110 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है जो कम रेंज वाली गाड़ी है उसमें। जो हाई रेंज वाली गाड़ी है उसमें आपको मिलती है 75 पीएस की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डिपेंड करेगा कौन सा बैटरी पैक आप ले रहे हैं, बैटरी पैक बड़े वाला लेंगे तो आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी। बैटरी पे और गाड़ी पे सेम वारंटी मिलती है जो आपको नेक्सॉन ईवी और ईवी मैक्स पे मिलती थी, 3 साल 1,25,000 किलोमीटर गाड़ी पे, 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर बैटरी पे। उसके बाद जो अगली दो गाड़ियां हैं गाइस वो अभी लॉन्च होने वाली है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे लॉन्च नहीं हुई है, सो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं उन गाड़ियों के बारे में। अगली जो गाड़ी है वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी जो मुझे लगी और वन ऑफ द माय फेवरेट गाड़ी है वो की है XUV400, जिसमें आपको 39.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिल जाती है। रेंज है आपको 456 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। फुल चार्ज अगर आप इसको करेंगे 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर से तो लगभग 6 घंटे 30 मिनट लेगी, और अगर 3.3 किलोवाट आवर के चार्जर से आप इसको चार्ज करेंगे तो ये 13 घंटे लेगी, और 50 किलोवाट के चार्जर से अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये 50 मिनट में 0-80% हो जाएगी गाइस। एक्सशोरूम की अगर हम बात करें, अभी तक कंपनी ने कोई भी प्राइस रिवील नहीं किया है, बट जो एक्सपेक्टेड है जहां तक मुझे लगता है गाड़ी लगभग 17 लाख रुपए से शुरू होकर 23 लाख रुपए के बीच में आपको ये मिल जाएगी, और मे बी उससे कम भी हो सकता है, 17 से 20 या 22 23 के बीच में ये गाड़ी रहने वाली है। उसके बाद बात करें बेस्ट थिंग की, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट गाड़ी है अपने सेगमेंट में। उसके बाद पावर की बात करें तो 150 पीएस की आपको पावर मिल जाती है, 310 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। गाड़ी की वारंटी से रिलेटेड अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लॉन्च की इन्फॉर्मेशन में भी हो सकता है जुलाई से मार्च के बीच में कभी भी 2023 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद अगली गाड़ी की हम बात करेंगे, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही अच्छी दिखने वाली अभी तक की इन सब गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बेस्ट लुकिंग गाड़ी ये है, जिसका नाम है BYD Atto 3। इसमें आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी। रेंज इसकी सबसे बेस्ट पार्ट है कि 60 किलोवाट आवर की बैटरी के साथ भी आपको ये लगभग 521 किलोमीटर की आपको रेंज ये गाड़ी दे रही है, ठीक है। प्राइस की अगर हम बात करें, लगभग अभी प्राइस नहीं पता है, लेकिन 20 से लेके 25 लाख के आसपास ये गाड़ी आपको एक्सपेक्टेड प्राइस में मिल जाएगी। हो सकता है 24-25 लाख के आसपास ये आपको ये गाड़ी मिलनी शुरू हो जाए। 201 पीएस की पावर मिलती है और लगभग 310 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है इस गाड़ी में। उसके बाद चार्जिंग ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 80 किलोवाट का अगर आप चार्जर यूज़ करते तो 0-80% चार्ज होने में मात्र 50 मिनट ये गाड़ी लगाएगी। 7.2 किलोवाट का एसी चार्जर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें लगभग आपको 10 घंटे का समय लगने वाला है। उसके बाद कार की वारंटी की अगर हम बात करें, 8 साल और 1.6 लाख किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाएगी जो आपको सेम BYD E6 में मिली थी। उसके बाद मोटर की अगर वारंटी की हम बात करें, 1.5 लाख किलोमीटर की आपको मोटर की वारंटी मिल रही है। दोस्तों लॉन्च की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड जो लॉन्च है इस गाड़ी का तो दिसंबर 2022 में ही लॉन्च हो जाएगी, या हो सकता है जनवरी फरवरी तक अगले साल 2023 में ये गाड़ी लॉन्च हो जाए। तो ये सारी गाड़ियाँ थी जो आप परचेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक में। अगर आपका बजट है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप गाड़ी को रैंक कर सकते हैं। मैंने किसी भी गाड़ी को रैंक नहीं किया है, यहाँ पे 1-7 में मैंने किसी गाड़ी को रैंक नहीं किया, रैंडमली गाड़ियाँ थी जो आपको लेनी है, आप अपने बजट के हिसाब से बैटरी पैक के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें नंबर 1 पे गाड़ी रख दूंगा, कोई भी गाड़ी फॉर एग्जांपल मैं रख दूं, XUV को रख दूं या ZS EV को रख दूं, तो फिर वहाँ पे लोग सोचेंगे कि जो बाकी की गाड़ियाँ हैं वो रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारी गाड़ियाँ अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन जो मुझे एक बेस्ट पार्ट लगा वो लगा मेरे को BYD की गाड़ी में। आपकी पर्सनल चॉइस है, चाइनीज़ कंपनी है BYD, आपकी पर्सनल चॉइस है आप लेना चाहते हैं या नहीं। इसमें क्या है, आपको जो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे को लगा कि अदर बाकी कंपनियाँ जो आपको दे रही हैं 1.5 लाख 2 लाख किलोमीटर तक की वारंटी बैटरी पे, लेकिन ये कंपनी आपको दे रही है लगभग 8 साल और 5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी आपकी बैटरी के ऊपर। क्योंकि बैटरी सबसे कॉस्टली इसमें रहने वाला है, अगर आपकी बैटरी खराब हो जाती है 3-4 साल में तो मे भी हो सकता है आपको एक मोटा खर्चा उठाना पड़ सकता है, 6-7 लाख रुपए तक का आपको खर्चा उठाना पड़ सकता है सिर्फ बैटरी का, अगर आप नेक्सॉन जैसी गाड़ियां लेते हैं तो। सो दोस्तों उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगा, आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कौन से स्टेट से और कौन से सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप गाड़ी के लिए कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।